नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु सोस्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं स्टेरॉइड क्रीम का फेस पे अप्लाई करने से क्या साइड इफेक्ट आते हैं और उनका क्या दुष्परिणाम आता है। अगर लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, अगर लगा रहे हैं तो आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो पर नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। और अगर आप ये स्टेरॉइड क्रीम लगा रहे हैं, जैसे कि बाजार में आता है, बाजार में आपने फार्मेसी से ले ली पेडनोवेट एन, अगर फेस पे अप्लाई कर रहे हैं और साथ साथ बहुत सारी टीनोवेट और बहुत सारी स्टेरॉइडल क्रीम आती, टीनोवेट जी एन, लोवेट जी एम, और साथ साथ स्किन लाइटनिंग क्रीम आती है जैसे कि सनशाइन, स्किन लाइट, ये सब क्रीम अगर लगा रहे हैं फेस पे तो हो जाइए सावधान। अगर फेस पे लगा रहे हैं बहुत दिनों से तो आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी स्किन खराब हो सकती है। अगर आपने लगाना शुरू कर दिया है तो ये बंद कर दीजिएगा। अगर जो लगा चुके हैं बहुत दिन तक, उनको ये दिक्कतें आएंगी और उनको ये समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। स्टेरॉइडल क्रीम में, जैसे कि स्टेरॉइड क्रीम जो कंटेंट होता है उसमें क्लोबेटासोल आपने क्रीम पे जरूर पड़िएगा। क्लोबेटासोल, मिक्लोमीटासोन, बेस्टामीटासोन, मोमेंटासोन, ये सब स्टेरॉइडल क्रीम है तो ये सब अवॉइड करने का प्रयास करें। स्किन लाइटनिंग क्रीम हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर देख रेख में लगाएं, या फिर अपने मन से सलाह ना, सहेली ने आपको प्रिस्क्राइब बता दिया कि दीदी ये लगा लीजिए तो आप बहुत गोरी हो जाएंगी, तो छलावे बिल्कुल ना, आप लगाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको बहुत ही दुष्परिणाम देखने मिलेगा, जैसे कि चेहरा लाल हो जाएगा और आंखों के नीचे कालापन आ जाएगा और बहुत दिन तक लगाने के बाद स्किन पतली हो जाएगी और साथ साथ वहां पे बाल बाल भी आ जाएंगे और एक्ने भी हो सकते हैं, पिंपल भी निकल सकते हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट, और स्किन जो होती है बहुत काली जैसी काली हो जाती है, या फिर आपने स्टेरॉइडल क्रीम बहुत दिनों से अप्लाई कर रखा है और साथ साथ आप धूप में गर्मियों में जा रहे हैं तो स्किन का एक्सपोजर सनरेज होने के कारण वो स्किन बर्न हो जाती है तो लाल जैसा चेहरा दिखता है, तो ये सब क्रीम अवॉइड करें। देखा भी होगा बहुत लोग का लाल लाल चेहरा एकदम हो रहा रहता है। स्टेरॉइड क्रीम फेस पर लगाने और सन सन के सन की सन सन की रेस के एक्सपोजर होने की वजह से स्किन जो होती है बर्न हो जाती है, जब बर्न हो जाती है तो वहाँ लाल लाल जैसा दिखता है, तो ये सब क्रीमें अवॉइड करें। और स्किन अवॉइड नहीं कर रहे हैं तो ये समस्याएं देखने को मिलेंगी आपको। अगर जो जो लोग लगा रहे थे उनको ये समस्याएं देखने को मिली भी होंगी, ऐसा जरूर मिला होगा। पहले मॉइस्चराइजर यूज करना है जो कि फ्रेगनेंस लेस हो, ऑडर लेस हो। जो भी मॉइस्चराइजर यूज करें वो फ्रेगनेंस लेस होना चाहिए, नहीं तो फ्रेगनेंस लेस नहीं होगा तो वो सेंसिटिविटी कॉज करेगा और आप लगाने पर जलन जैसा महसूस जरूर होगा। और सेकंड जो ट्रीटमेंट है उस मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन क्रीम लगानी है, सनस्क्रीन लोशन लगाना है, ये भी SPF 30 कम से कम एटलीस्ट कंटेन होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए और किसी प्रकार का इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्लेन जिंक ऑक्साइड कंटेन होना चाहिए, तो इससे क्या होगा आपकी स्किन को थोड़ा सा आराम मिलेगा। जब ये अप्लाई करना स्टार्ट करेंगी धीरे धीरे आराम मिल जाएगा। अगर ये दोनों क्रीम, ये दोनों चीज़ करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा या फिर किसी फिजिशियन के पास एटलीस्ट जाना ही पड़ेगा। अगर वो जाना जा रही हैं तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सबसे पहले आपको खुजली और जलन जैसा महसूस हो रहा है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो आती हैं फेक्सोफिनाडीन, लिवोसेट्रिजीन, सेट्रिजीन, इवास्टेटिन, हाइड्रोक्सी सीजीन, ये सब ड्रग आती हैं, ये आपको 2 महीने से 1 साल तक आपको प्रेस्क्राइब करेगा डॉक्टर। अगर ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, आपके बेसिस ऑफ सीवियरिटी देखकर ये आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, फिर उसके बाद आपका जलन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और साथ साथ कुछ बहुत दिनों तक या फिर बहुत महीनों तक आपने स्टेरॉइड क्रीम लगा रखी है तो वहाँ पर पैरासाइड इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पर एंटी पैरासाइड ड्रग्स यूज की जाएगी, तो एंटी पैरासाइड ड्रग में इवरमेक्टिन यूज की जाती है। वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे एंटी फंगल ड्रग यूज़ की जाती है और साथ साथ वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें कि आपको डॉक्सीसिलीन यूज़ की जाती है और डॉक्सीसिलीन यूज़ की जाती है और साथ साथ आपको वहाँ फंगल इन्फेक्शन देखने के मिलता है। अगर डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट अगर देखता है वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटी फंगल ड्रग यूज़ की जाती है, जिसमें कि आपको फ्लूकोनाजॉल, कीटोकोनाजॉल, सेट्राकोनाजॉल, ऐसी ड्रग यूज़ की जाती हैं। आपको ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी डॉक्टर अपने हिसाब से और अपने हिसाब से नीड से वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा और फिर धीरे धीरे आपका ये सब कम होता चला जाएगा। और एक और ट्यूब आती है, और फेस पे मेट्रोजिल ट्यूब आती है जो कि आप लगाएंगे, धीरे धीरे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये रहा आपका ट्रीटमेंट। तो फिर ऐसे बहकावे में आएंगे तो समस्या उत्पन्न होगी, तो जब समस्या उत्पन्न हो जाएंगी तो आपके चेहरा कालापन दिखेगा, कालापन दिखेगा तो आपको मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार आपको टोकेंगे, कहेंगे दीदी आपका चेहरा तो खराब हो गया, आपके चेहरे पे तो काला जैसा हो गया, तो आपको ये शर्मिंदगी महसूस होगी। इस शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं तो ये सब क्रीम बिल्कुल अवॉइड करें। और भगवान ने जो कलर कलर दे रखा उसमें ज्यादा बदलाव करेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो भी ऐसी कोई भी क्रीम नहीं आती, अब मैं आपको बता दूं ऐसी भी कोई भी क्रीम नहीं आती जो कि परमानेंट फेयरनेस उत्पन्न करे, जो भी आपको आपकी आपकी त्वचा को परमानेंट फेयर कर सके, ऐसी कोई भी क्रीम नहीं आती। तो फिर जो भी क्रीम जो भी आपको त्वचा मिली है भगवान ने प्रकट दे रखी है, वो अच्छी है, गुड लुकिंग है, तो आप शर्मिंदगी बिल्कुल ना महसूस करें, जो भी है सब नेचुरल है। और साथ साथ लोगों के बताए गए हुए ट्रीटमेंट और अननेसेसरी ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें, अगर करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इससे बचने के लिए सब ट्रीटमेंट अवॉइड करें। अंदर अगर आपको करना ही है तो अंदर आपका अगर आपको करना ही है तो अंदर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉक्टर करें, अंदर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।